30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਦਬਾੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ बहुत इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी होगी आई एम श्योर आप कुछ बताना चाहिए कि आपको कितना अरसा लगा इस किताब को कंपाइल करने में और किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको ये सारी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने के सफर में देखो चैलेंजेस तो खास नहीं था कि अद्धी जी फैमिली से मैं जानता से उन्होंने शुरू तो सिर्फ टाइम लगा एक साल लगा मैं जी खोज करनी सी जी फैमिली असी इधर जेलम वाल चकवाल डिस्ट्रिक्ट लाहौर के मैं सारे जानते से सो मैं चाहता से कि वो भी पिछ शामिल की गई तो यह नहीं कि एक किताब में उस किताब देख के उतों कॉपी करके असी थोड़ी इनफॉर्मेशन उतों कट के अपनी किताब पाती ये मैं काम नहीं किया मैं एक एक फैमिली में जिन्हें 70 फैमिली इस किताब एक एक फैमिली को मिलया उन्होंने एक एक दिन बैठा गपशप मारी फिर मैं उन्होंने कहा तुम दो मैं हूँ मटीरियल असली मटीरियल दो मैं थोड़ा तस्वीर दो जी पर्शन के रिकॉर्ड से वो मैं कट के ट्रांसलेशन की तद मैं किताब लिखी है क्यों मैं चाहता सी कि इनफॉर्मेशन ऑथेंटिक हो गई पंजाब बारे क्यों अंग्रेजी ने बहुत गंद लिखा है कई फैमिलिया बारे तो उन्होंने मैं करैक्ट करना सी ये बहुत जरूरी है और जी फैमिली हूँ भी इतने है इतने पाकिस्तान या इंडिया वो हिले भी रो रहे हैं भाजी जो साढ़े बारे लिखे है ना ग्रिफिन ने जो अंग्रेजा ने लिखा आ वो तुम करैक्ट करो वो तुम ठीक करो जी कुर्सी नाम आया वनू सारी सही की इस वो तस्वीर आया जो थोड़ा कितों मिलूगी नहीं आ वेरी वेरी रेयर पिक्चर्स जो 1860 तो लैके अज तक मैं कट्ठी की वो किताब च मैं शामिल किया सारे च इंटरेस्टिंग आपके साथ इस किताब के हवाले से कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ किसी फैमिली के साथ कोई ऐसी एक मेमोरी बिल्ड हुई हो या कोई एक ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस आपका किसी के साथ हुआ जो आप यहाँ शेयर करना चाहें देखो मेरे पास काफ़ी कुछ कहानियाँ से कोई टाइम है मैंने काफ़ी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ दसी गई हैं जो मैं थोड़ा दस भी नहीं सकता सच्ची दस लेकिन जो मेरा रिश्ता बनया इस फैमिली के नाल बड़ा अनोखा है की मैं कहानियां दसे मैं थानू की दसा मैनू मैं उन्होंने वादा किया मैं कि मैं अगर किसी दसूंगा नहीं लेकिन मैंने वो कुछ दसिया गया कि उस जमाने की गल मैं हैरान रह जूगा मैं की चीज़ा कट के दिती हैं जो मेरे हाथ होंदिया से कहते ये रणजीत सिंह का हीरा आ सू दिता से तोहफे हूँ या मैं यकीन करा या नहीं यकीन करा ये वक्री गल लेकिन जो समान पिया भी है ना वो लुकया पिया सारा वो डर के माड़े बाहर नहीं कटते वो डरते कि कोई ना कोई आके ले जूगा तो मैं दिखा नहीं सकिया ना मैं दस सकिया मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है हम मैं थोड़ा नहीं दस सकता लेकिन मैं इन्ना खुश हाँ क्योंकि वो एक रिश्ता बन गया मेरे नाल हम देखो ये किताब हले खत्म भी नहीं हुई ये प्रिंट होनी है इस महीने एक जी किताब आ डमी बुक है असली किताब लेकिन कवर बदली हो गया कॉन्सेप्ट चेंज करता ये रिलीज़ किसी करने लाहौर के बीच फरवरी के बीच 12 नू फिर 14 नू अमृतसर 15 नू चंडीगढ़ 16 नू दिल्ली तो फैस फेस्टिवल वाले ने मैं एक मौका दिता था कि बॉबी सिंह तुम आ जाओ तुम उसे प्रमोशन कर लो थोड़ी बुक बारे दस दो सौ थोड़ा जिक्र कर दो बुक बारे इसलिए मैं इतने आया से तो जो असं एक्सीबिशन इतने किया गुरु नानक देव उड़ पर असं ऑर्गनाइज किया तो देखो मेरा संबंध की आ असी देखो दो महीने पहला महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू खड़ा किया शाही किले ये भी बहुत बड़ी गल आ तो पंजाब की जी हिस्टरी आ सिर्फ किताब च नहीं इस सारे की हिस्टरी सिर्फ मेरी हिस्टरी नहीं ये पाकिस्तान की हिस्टरी आए को एक खजाना पे खजाना हूँ करतारपुर साहब खुल गया अगे देखो की होंगे जैसे आपने कहा कि कहानियाँ इंसान को बदल देती हैं हम एक दूसरे को देखते हैं जब अपेरेंस वाइज तो हमें बहुत से इख्तलाफात नज़र आते हैं अपेरेंटली व्हेन वी सी ईच अदर इन अपेरेंस बहुत डिफरेंसेस होते हैं लेकिन जब हम कहानियाँ एक दूसरे की जानना शुरू करते हैं तो हम लिंक हो जाते हैं इस रिश्ते में कि हम सब इंसान हैं आपके ख्याल में इस तरह की कहानियाँ इस तरह की किताबों का क्या रिश्ता हो सकता है कि आपस में नफरतें कम हों और लोगों के आपस में मोहब्बतों के रिश्ते बनना शुरू हों ये तो देखो
मैं तो चाहता हूँ ना कि रिश्ता जो है ना हमारा और ज़्यादा बहुत गहरा होवे। यही कि ऊपर ऊपर असी प्यार ना बुला लिया, मैं उधर चल गया उससे नहीं चल गया, साड़ा गहरा रिश्ता आ असी समझ नहीं सकते। एक किताब लिखन नू किताबा जो पढ़ूगा कोई तो उन्हें पता होगा कि इस पंजाब का कल्चर ये हिस्टरी है पंजाब की, ये मेरी हिस्टरी नहीं पंजाब की, क्यों मेरे वास्ते पंजाब एक आ, मैं नहीं समझा एक बॉर्डर उत्थे हैगा आ, ठीक है ना, मेरे वास्ते एको पंजाब आ। एक किताब लिखन नू की फायदा है, ये सिर्फ फैमिली वास्ते नहीं मैं लिखी, ये जिहड़े अगले जनरेशन आ रहे साडे जिहड़े यूथस आ रहे हैं, मैं चाहता कि यूथस है ना पढ़ो अपनी हिस्टरी पता लगे कि पंजाब सिर्फ सिखा की हिस्टरी नहीं, सारे की हिस्टरी आ, मुसलमान की हिंदुओं की भी हिस्टरी हैगी, कभी कभी क्रिश्चन की भी हिस्टरी हैगी थोड़ी बहुत, इतने सानू उस हिस्टरी को प्रमोट करना चाहिए आ, क्योंकि वो प्रमोट करके अगे हालात बड़े ठीक हो गए। मैं चाहता कि पाकिस्तान का जो इमेज आ बाहर पाकिस्तान तो बाहर वो एक ऐसा ऐसा चेंज हो गया ना कि असी हम देखो मैं लैक्चर दिता रहा, मैं सारे पाकिस्तान लैक्चर दे चुका हाँ, और अफसोस की गल है कि किसी को पता नहीं सिख हिस्टरी बारे की आ कि इतने सिख राज भी होंगे से। मैं थोड़ा एक मिसाल दिता हाँ, मैं मनसेरा यूनिवर्सिटी लैक्चर दिता से सिख हिस्टरी के उपर, तो पहला स्लाइड से महाराजा रणजीत सिंह ने, और सिर्फ एक स्टूडेंट को पता सी कि तस्वीर कौन है, तो जो मैं स्टूडेंट को पूछा मैं क्या तुम्हें पता नहीं, कहते सरदार जी सू सिखाते नहीं, सू सिर्फ पता है मुगलों का हिस्टरी आ गए, ब्रिटिश आ गए, पार्टीशन हो गया, वो जो सिखा का दौर कटता क्यों कटता, वो बहुत जरूरी है कि लोगों को पता, लोगों को लाहौर के भी नहीं पता कि रणजीत सिंह की महल या समाधि लाहौर के एक किताब करके पता लगेगा कि पंजाब की लाहौर की हिस्ट्री की चीज़ है। थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि रीडिंग का कल्चर आपका कोई मैसेज इसके हवाले से हो कि आजकल जैसे हम देख रहे हैं ट्रेंड कम होता जा रहा है, किताबों से रिश्ता लोगों का कम होता जा रहा है, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से इसको प्रमोट किया जा सकता है और किताब से रिश्ता क्यों ज़रूरी है? देखो लोग आजकल देखो टेक्नोलॉजी आ गई, सब अपने फ़ोन में, मुझे लगता नहीं कोई किताब पढ़ता है, सारे अपने फ़ोन के नाल टैबलेट के नाल लैपटॉप के नाल, पता कि देखो जो मज़ा किताब च आता है ना वो होर किसी पास नहीं आता। मेरी एक गुजारिश आ कि किताबा पढ़ो, ये ठीक है टैबलेट मोबाइल फोन सारा कुछ सही आ, कि जो जो ज्ञान जो नॉलेज मिलता किताबों के बीच वो थोड़ा मोबाइल से नहीं मिलेगा। एक बार किताब बन गई, एक बार बना लिया, पता नहीं कदों एक दोबारा कोई आऊगा 80 साल बाद 100 साल बाद तो कहो चलो असं इनू हम पंजाब की चीफ अपडेट करते हैं। ये 1800 लैके 2019 तक ये रिकॉर्ड आ सारा, पूरे 180 साल के बीच रिकॉर्ड आ, यही कि असं इतों कॉपी करके उतों हिस्सा कट के इधर पाता ना, पूरा खोज करके इनफॉर्मेशन कट के सारा कुछ असं इकट्ठा किया। बुक ये उत्ते असं ऑफिशियली प्रमोट कर रहे हैं, मैं चाहता सी कि मौका थानू देिए कि लाहौर के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता है, वो लोगों को हले पता नहीं, असं मुड़ के उन्होंने जो कहते हैं ग्लोरी ऑफ पंजाब, तो ग्लोरी ऑफ पंजाब में असं मुड़ के लैके आईए, तद आगे जो तुम किताबा पढ़ोगे खरीदोगे, और ये बुक थानू फैबरी असं लॉन्च करनी है शाही किले के 12 नूं, तो मैं हुणे थानू इनविटेशन भेज दिंदा तुसीं 12 फरवरी नूं शाही किले पहुँच जाओ, पर तकड़ा लॉन्च करनी है तो उत्थे बुक अवेलेबल होगी, तो तुसीं इक तस्वीर देख लो इहदी, तो मैं शुक्रगुजार हां तुसीं सारे इत्थे आए हो, बहुत बहुत प्यार थानू, तो थैंक यू वेरी मच। ਅਜੇ ਫਕੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਫੀ ਕੁਛ
ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ there weren't much challenges. The only challenge I faced was to meet some of the families in the other districts. It is very difficult to get the contacts. ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੋਂਟੈਕਟ ਦੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕ ਜਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸਕਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਓਗੇ, ਕੋਈ ਦੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਂਟੈਕਟ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਮੁਝੇ ਬਸ ਚੈਲੇਂਜ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕੈਸਾ ਨਿਕਾਲੋ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਥਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਮੈਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਬਸ।